पहले इस प्रांगण में मौजूद पंच कमेटी जिगड़ी के शौकीन सोतागढ़ के चरणों में कृष्णा डागुर की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार, राम राम साजी। कवि ने अपनी कलम को उठाया और बड़े ही प्यारे शब्दों में दोहा के माध्यम से क्या लिख दिया बाबा साहब। समय समय पर कीजिए बैर भाभी और प्रीत, समय समय पर गाइए समय समय के। देखो साहब, 15 मिनट या हम कोई ना साखी ना कोई भवानी, डायरेक्ट प्रसंग की ओर चलते हैं। मेरा प्रसंग वही है जिसको मैं छोड़ के आया था। गर्व हमेशा करता था और 100-100 वीर लड़ा करते थे तो ना किसी से डरता था। 100 जाने भेज स्वर्ग को दिए और बाकू पास बुलाए दे न कभी मामोए बुलाए दे। और बाबा साहब मराठी आ रही है और किस तरीके से बीत गई 6 बरस बिपन में पन्नन के ले लिए धन सुकनी की सीख माने अनसोता कलिए लेके और देखो साहब बात जे संगीत संगीत क्या है। संगीत वह शक्ति है, संगीत वह शक्ति है, हर स्वर में बसे हैं राम। ये 101 पुरस्कार हमारे बड़े भाई साहब देने आशीर्वाद ही काम ना करते हैं। और संगीत वह शक्ति है, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जब सुने रागनी, रोगी को मिले आराम। और वो ऐसे नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई, चीजें मैं बता रहा हूं कैसे मिलेगा। और जान से पकड़ भी मत भूलिएगा, जान से पकड़ भी मत भूलिएगा, चूर चूर कर डरेगा। अंधक्रोध से अंधक्रोध से क्या बात है, बहुत सुंदर। कह अंधक्रोध से बसम कर गोपना मौत के मारेगा। बहुत सुंदर भैया। और देखो साहब तो मनते एक बात कहूं अगर बुरो नहीं माने तो कह दूं, इन्हें आतन ने ऊपर खड़े करके बहुत सिग्नल दे दिया करो। आतन ने ऊपर खड़े कर लियो, कह दू तो देखो साहब, पहले कोई बालक की छठी पुजाई तो बाबा साहब भजन कीर्तन होते, अब यह न्यू जनरेशन में का हेरो है। मेरा जमाना का हेरो या न्यू जनरेशन में, ये चमन के पुष्कर हमारे बड़े भाई बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं साहब, ओम ही निवेरा से मेरे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और कार्य न्यू जनरेशन में
बहुत
सज्जन होंगे, जुकड़ी होंगी, जुकड़ी होंगी कट कट के मत समझा गरक तुआ। अब आ रहा है बाबा साहब चौक, और चौक में कभी क्या जवाब दे रहा है।